नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी में। और आज का जो वीडियो है यह भारतीय दर्शन पर आधारित है। यह पूरा का पूरा जो वीडियो है भारतीय दर्शन पर आधारित क्वेश्चंस पर ही मैंने बेस्ड किया है, क्योंकि हम देखेंगे कि अगर इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का जो वेटेज है 2016, 2017, 2018 और 2019 में अगर हम देखें तो 16 में 5 प्रश्न मिलेंगे, 17 में 3, 18 में 4 और 2019 में 5 प्रश्न पूछे गए। इसका मतलब यहां से यह दिखाई देता है कि हर साल ऑन एन एवरेज 4 से 5 प्रश्न भारतीय दर्शन पर आधारित होते हैं। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि अगर पैटर्न जो है वो ज्यादा ड्रास्टिकल उसमें चेंज नहीं आया तो इस साल भी आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को इसमें से मिल जाएंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो जो है मैंने इसी टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए रखा है और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लेने की। तो शुरुआत करता हूं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकायत दर्शन कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन कहा जाता है, प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। चर्चा करते हैं कि किसको कहा जाता है, तो याद रखना चार्वाक को लोकायत दर्शन कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा चार्वाक। देखिए चार्वाक जो है वह एक नास्तिक दर्शन। टोटल 9 दर्शन हमको पढ़ने होते हैं, 9 दर्शन पढ़ने होते हैं। एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है लेकिन ज्यादा प्रॉफिट होने वाला यह टॉपिक होता है। कम इन्वेस्टमेंट है मतलब बहुत ही कम आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें से प्रश्न जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि लो इन्वेस्टमेंट और मोर प्रॉफिट वाला ये टॉपिक हमको दिखाई देता है। चार्वाक दर्शन जो है एक नास्तिक दर्शन है। 9 में से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक है, जिसमें से एक दर्शन कौन सा है? चार्वाक। क्यों नास्तिक है? क्योंकि यह दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, कहता है कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। साथ में यह जो दर्शन है वो वेदों की प्रमाणिकता, वेदों की सत्ता को भी नहीं मानता है। यह दर्शन जो है यह परलोक जैसी कोई चीज नहीं है यह भी कहता है, और ना ही कहता है कि आत्मा जैसी भी कोई चीज है। चारों चीजों को ये नहीं मानता। परलोक जैसी कोई चीज नहीं है मतलब इसका कहना है कि यही लोक है, इसी लोक में जीना है, इसके आगे कोई दूसरा लोक आपके पास नहीं है। जो सुख आपको भोगना है वो इसी लोक में भोगना है, इसीलिए इस दर्शन को लोकायतन दर्शन कहा जाता है। लोकप्रिय होने के कारण भी चार्वाक को लोकायतन दर्शन कहा जाता है। चार्वाक का मतलब है, समझ लो इसका अर्थ अगर निकालें तो पहले तो इसका अर्थ निकलता है चारु और वाक से मिला है यह शब्द। चारु धन वाक से मिला है चार्वाक। चारु मतलब सुंदर, मीठा, आकर्षक, जबकि वाक का मतलब होगा उपदेश या सिद्धांत। मतलब सामान्य व्यक्ति को सुंदर, मीठे, आकर्षक उपदेशों के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना, यही अर्थ निकलता है किसका? चार्वाक। दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि चार्वाक जो है वो चर्व धातु से मिलकर बना है, मतलब है चबाना। इस दर्शन में कोई अच्छी बात आपको देखने को नहीं मिलेगी, सारी अच्छी बातों को यह जो दर्शन है वो चबा जाता है। इसीलिए यह भी ध्यान रखना कि खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो का सिद्धांत भी चार्वाक दर्शन से ही संबंधित है। और फिर यह भी पूछा जा सकता है कि इस चार्वाक की विचारधारा की नींव किसने रखी थी? तो वह भी याद कर लीजिए कि बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी। ठीक है, तो चार्वाक दर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यह है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन भारतीय दर्शन की 6 प्रणाली का अंग नहीं है? षड प्रणाली का अंग नहीं है मतलब ये षड दर्शन की बात कर रहा है। षड दर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 दर्शनों के बारे में आपको पढ़ना है। 9 में से जो 6 दर्शन है, 9 में से 6 दर्शन जो है वह आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, मतलब जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, और जो नहीं मानते वह दर्शन जो है नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। यही 6 जो है यही क्या कहलाते हैं? आपके षड दर्शन कहलाते हैं। तो इनमें कौन कौन से दर्शन होते हैं वह आपको देख लें। तो अगर हम बात करते हैं आस्तिक की, आस्तिक में सबसे पहले याद रखना सबसे पुराना जो है वह है सांख्य। सांख्य के बाद जो दर्शन है वह है योग। योग के बाद जो दर्शन है वह है मीमांसा, और उसके बाद है वेदांत। ये पूर्व मीमांसा हो गया, ये उत्तर मीमांसा हो गया, और उसके बाद है न्याय दर्शन। यहां से आपको दिखेगा न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन के बाद अगला जो दर्शन है वह है आपको वैशेषिक दर्शन। मतलब कुल कितने दर्शन हुए? तो 6 दर्शन हुए, षड दर्शन कहलाते हैं। पूछा है कि निम्न में से 6 कौन से नहीं है, तो चेक करते हैं। मीमांसा है, वेदांत है, ये दोनों है, न्याय भी है और वैशेषिक भी है, सांख्य है, योग है मतलब लोकायतन, और कापालिक जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं लोकायतन मतलब चार्वाक जो है वह नास्तिक दर्शनों में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन दर्शन की धर्म विरोधी या शास्त्र विरोधी विचारधाराओं से संबंधित नहीं? सेम प्रश्न है जैसा अभी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, उसी से मिलता जुलता यह प्रश्न है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है।
धर्म विरोधी विचारधारा और रूढ़िवादी विचारधारा या परंपरावादी विचारधारा। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, एक विचारधारा रूढ़िवादी हो गई, दूसरी धर्म विरोधी हो गई। रूढ़िवादी विचारधारा का यह मानना था कि वेद जो है वही ज्ञान के सर्वोच्च ग्रंथ है और वेदों में ही मुक्ति का रहस्य निहित है। उन्होंने वेदों की प्रमाणिकता पर कोई प्रश्न नहीं खड़े किए थे। तो इस तरह की छह उनकी उप विचारधाराएं थी जिन्हें आप षड दर्शन के नाम से जानते हो, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन धर्म विरोधी विचारधारा का मतलब ये था कि ये वेदों की मौलिकता पर प्रश्न, मतलब उनमें कोई आस्था ही नहीं रखते, ईश्वर पर भी क्वेश्चन मार के लगाते थे। वैसी तीन विचारधाराएं थी, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। तो यह प्रश्न उसी में से पूछा है कि विरोधी विचारधारा से, धर्म विरोधी विचारधारा से कौन से संबंधित नहीं है। तो बौद्ध जो है वो भी संबंधित है, जैन भी संबंधित है, चार्वाक भी धर्म विरोधी है, लेकिन वेदांत जो है, वेदांत वह रूढ़िवादी विचारधारा से संबंधित है। तो क्या आंसर हो जाता है आपका, डी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत बार पूछा गया, पूछा जाने वाला एग्जाम में यह प्रश्न है। दिया गया है अलग अलग दर्शन, मतलब पहले दिया है सांख्य, फिर वैशेषिक, फिर मीमांसा, और उसके बाद दिया है न्याय दर्शन, और पूछा है कि इनके संस्थापक कौन है। बहुत बार पूछा जाता है, अलग से भी पूछा जाता है, मैंने मैच द फॉलोइंग में आपको दिया है। बात करते हैं सांख्य दर्शन की पहले। क्या कपिल मुनि जो है, यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, कपिल मुनि के साथ आपको जोड़ना है, ठीक है। क्या कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। तो सांख्य दर्शन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सांख्य विचार जो है इतना ही प्राचीन है जितना कि उपनिषद है, क्योंकि इसके सिद्धांतों का उल्लेख हमको उपनिषद में भी देखने को मिलता है, और उपनिषद ही भारतीय दर्शन का प्रमुख आधार माना जाता है। स्मृति में, पुराणों में भी आपको सांख्य दर्शन के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। ये मतलब इसीलिए सबसे प्राचीन जो दर्शन है वह कौन सा है, आपका सांख्य दर्शन। और उसके बाद हम कपिल मुनि, महर्षि कपिल के बारे में अगर हम बात करें तो महर्षि कपिल का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण ने कहा है सिद्धांता नह कपिलो मुनः, मतलब मैं सिद्धांतों के मामले में कपिल मुनि की तरह हूं। देखिए इसीलिए इधर जो है सांख्य मुनि के संस्थापक जो है कौन है, वो महर्षि कपिल है। तो ये वाला जो ज्वाइंट है, ये जो मैच है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वैशेषिक की बात करते हैं। वैशेषिक, वैशेषिक के जो संस्थापक हैं वह कणाद हैं, यह भी बिल्कुल सही है। कणाद मुनि ही वैशेषिक दर्शन के संस्थापक, इन्हीं को उल्लुक नाम से जाना जाता है, कर्णभुक नाम से जाना जाता है, और कश्यप नाम से जाना जाता है। यह भी पूछा जा सकता है, उल्लुक, उल्लुक के साथ याद रखना कर्णभुक और कर्णभुक, या फिर इनको कश्यप नाम से जाना जाता है। और यही कारण है, यही कारण है कि यह जो दर्शन है वैशेषिक, वो औलुक दर्शन या कश्यप दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम को चेंज करके भी पूछता है, तो बात को ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि यह जो कणाद मुनि थे, यह अपने जीवन यापन के लिए कणों पर निर्भर रहते थे, मतलब गिरे हुए अन्न के भोजन पर अपना जीवन यापन करते थे, कणों पर आश्रित होते थे। गिरे हुए अन्न के कणों पर आश्रित होने की वजह से इनका नाम पड़ा है कणाद, यह बात ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं मीमांसा। मीमांसा जो है वह शंकराचार्य से कतई संबंधित नहीं है। मीमांसा दो, एक तो पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को आप वेदांत के नाम से भी जानते हो। तो पूर्व मीमांसा के जो संस्थापक हैं वह है जैमिनी। जैमिनी शंकराचार्य संस्थापक नहीं होते, ये तो वेदांत विचारधारा से संबंधित है, जो आगे चलकर यही अद्वैतवाद संप्रदाय की भी स्थापना करने वाले हैं। तो शंकराचार्य से इनका संबंध नहीं है। अगला, अगर न्याय से संबंधित बात करें तो न्याय मतलब महर्षि गौतम, यह भी एक आस्तिक दर्शन है। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से आस्तिक हैं, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह ग्रंथ है आपका न्याय सूत्र। बहुत बार पूछा है न्याय किससे संबंधित है, तो गौतम से संबंधित है। तो ये प्रश्न जो है रिपीटेड पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है, तो हमने इससे रिलेटेड कुछ अलग फैक्ट्स भी डिस्कस कर लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यह अगला प्रश्न है, क्या बोलता है कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, जानने से पहले समझते हैं कि शून्यवाद था कब। सबसे पहले तो ये बता दूं कि शून्य क्या नहीं है। शून्य सबसे पहले तो गणित वाला शून्य दिमाग में आता है, ये वो बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वॉइडनेस नहीं है, वॉइडनेस नहीं है, गणित के शून्य से इसका संबंध नहीं। दूसरा यह भी समझ लो कि यह इसका मतलब ये नहीं है किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, नाइलिज्म, किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, यह भी बात नहीं कर रहा है। सर्व वैनाशिक अगर आप समझ रहे हो शून्य का मतलब, तो वह भी इसका मतलब नहीं। शून्य का मतलब यहां पर यह बताया है शून्यवाद के सिद्धांत में, और जो बताने वाले हैं नागार्जुन ने, यह बताया है कि
जिस चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, जो अवर्णनीय हो, वह है शून्यवाद। शून्य वह है जिसे बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। मतलब बुद्धि के द्वारा हम अगर किसी वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, यह है आपका शून्यवाद। देने वाले थे नागार्जुन, बौद्ध धर्म के महान विद्वान थे नागार्जुन। पहले भी मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ, नागार्जुन कुंडा इन्हीं के नाम पर एक गुफा है, और इनका एक ग्रंथ भी बता चुका हूँ जिसका नाम था माध्यमिक करिका। माध्यमिक करिका यह भी किसका प्रमुख ग्रंथ है? नागार्जुन का, और वह इसी शून्यवाद का ही प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो याद रखना, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। शून्य के आविष्कारक नहीं है, शून्यवाद के प्रवर्तक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सांख्य विचारधारा जो है अद्वैतवाद में आस्था रखती है, और रामानुजन जो है वह इसके मुख्य दार्शनिक है। दो कथन सांख्य विचारधारा से संबंधित दिए गए हैं और पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से कथन जो है वह सही। ठीक है, तो सही वाले कथन आपको बताने। सांख्य विचारधारा क्या अद्वैतवाद में विश्वास रखती है या द्वैतवाद में विश्वास रखती? पहले तो सांख्य विचारधारा जब भी दिमाग में आए तो प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन इसके संस्थापक हैं, किन्होंने इसको लिखा है? तो सांख्य सूत्र जो है महर्षि कपिल ने लिखा है। सांख्य दर्शन जो है सबसे पुराना है, यह बात याद रखनी है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना, यह बात याद रख लेनी। उसके बाद सांख्य विचारधारा क्या है, तो उन्होंने हमको यह बताया कि ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि के संबंध में इन्होंने कुछ तर्कपूर्ण व्याख्या दी है, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। किसी भी देवीय कारक की जरूरत नहीं है सृष्टि के संबंध में या ब्रह्मांड के संबंध में, ऐसी बातें इन्होंने की है। मतलब नॉलेज, ज्ञान की बातें की है। कौन से विचारधारा में? तो सांख्य विचारधारा। कहता है कि सांख्य विचारधारा अद्वैतवाद में आस्था रखती है। अद्वैत का मतलब समझ लेते हैं, अ प्लस द्वैत, ये मतलब हुआ अद्वैत का। मतलब द्वैत का मतलब क्या हुआ? दो, और अ का मतलब होता है नहीं। इसका मतलब यह है कि दो नहीं में आस्था रखती है, जबकि गलत बात है, यह द्वैतवाद में आस्था रखती है। द्वैतवाद का मतलब दो पदार्थों की सत्ता है। इसका कहना है कि आत्मा और पदार्थ दो दो पृथक सत्ताएं यहां पर हैं, यह कहना है सांख्य विचारधारा का। तो यह द्वैतवाद में आस्था रखती है, अद्वैतवाद में आस्था नहीं रखती है, याद रखना। उसके बाद कह रहा है रामानुजन या रामानुजाचार्य इसके मुख्य दार्शनिक थे। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि रामानुजन तो है वो अद्वैतवाद की बात करते थे, शंकराचार्य वेदांत विचारधारा में दोनों वेदांती थे। चाहे आप शंकराचार्य की बात कर लो, रामानुजन की बात कर, दोनों वेदांती थे, वेदांत विचारधारा में बिलीव करते थे, मतलब अद्वैतवाद की बातें करते थे। तो यह कैसे संबंधित होते हैं सांख्य से, जबकि यह तो किसकी बात करते थे? अद्वैतवाद की बात करते। तो इस तरीके से दोनों ही कथन जो है वह गलत कथन हो जाते हैं। नहीं, पहला सही, रामानुजन किससे संबंधित है? वेदांत विचारधारा से संबंधित है। आगे उसको भी डिस्कस करें। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न किससे संबंधित है? तो यह वेदांत विचारधारा से संबंधित प्रश्न आपको दिख रहा है। निम्न पर विचार करना है। पहला तो शंकराचार्य ने ज्ञान को मुक्ति की प्राप्ति का मुख्य साधन माना, रामानुजन ने श्रद्धा तथा समर्पण के अभ्यास को मुक्ति का मार्ग बताया है। वेदांत विचारधारा, वेदांत दर्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है वेदों का अंत। कौन इसके संस्थापक हुए? तो बादरायण इसके संस्थापक हुए, यह याद रखेगा। और वेदांत की बात करें तो वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, उत्तर मीमांसा, क्योंकि इसके पहले एक और मीमांसा थी जिसको आप पूर्व मीमांसा के नाम से जानते हो। अगर मीमांसा बोलेगा तो वहां पर अंडरस्टूड रहना चाहिए कि पूर्व मीमांसा की बात की जा रही है। पूर्व मीमांसा का मतलब, मीमांसा का मतलब ही होता है जिज्ञासा। तो दो जिज्ञासाएं हुई, एक तो पहले वाली और दूसरे वाली। पहले वाली जो जिज्ञासा थी वह कर्म को जानने के पीछे जिज्ञासा थी, और दूसरी वाली जिज्ञासा यानी कि जो वेदांत है वह जगत का मूल कारण जानने की जिज्ञासा थी। दोनों ही अलग जिज्ञासाएं हैं, और उत्तर मीमांसा को ही आप वेदांत के नाम से जानते हो। नौवीं शताब्दी के आसपास उपनिषद और टीका लिखा था शंकराचार्य ने इस दर्शन के ऊपर, और उन्होंने इस दर्शन को परिवर्धन किया था। इस दर्शन का ही उद्भव हुआ था शंकराचार्य के द्वारा। उसके बाद 12वीं शताब्दी के आसपास रामानुजन आए और उन्होंने अपने उस दर्शन को थोड़ा सा परिवर्तन करके इसका प्रचार किया था और इसका विकास किया था। तो दोनों ही दृष्टिकोण में थोड़े से मतलब मतभेद उत्पन्न हुआ था, और उस मतभेदों पर आधारित यह प्रश्न आपको दिख रहा है। तो शंकराचार्य ने ज्ञान को मुक्ति की प्राप्ति का मुख्य साधन माना था, जबकि रामानुजन ने श्रद्धा तथा समर्पण के अभ्यास को मुक्ति का मार्ग बताया था। यह दो अलग अलग मतभेदों पर संबंधित प्रश्न आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाते हैं। यस, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर। और यहां से यह भी हमको क्लियर हो गया कि पहले शंकराचार्य आए, बाद में कौन आए? रामानुजन आए, और दोनों कौन थे? दोनों वेदांती थे, मतलब अद्वैतवाद के समर्थक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद की यहां पर बात हो रही है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शंकराचार्य से संबंधित है, आदि शंकराचार्य से संबंधित होने की वजह से ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और आदि शंकराचार्य कौन थे, तो वेदांती थे, बता चुका हूं वेदांती थे। और वेदांत में क्योंकि उत्तर मीमांसा थी, एक अगली जिज्ञासा थी कि बताओ जगत का मूल कारण क्या है, जीव और ब्रह्म के बीच में क्या संबंध है। जीव और ब्रह्म के बीच में संबंध वाला प्रश्न ही चार संप्रदायों को आगे बढ़ा देता है। किसी ने कहा कि जीव और ब्रह्म एक है, किसी ने कहा कि एक नहीं दो है, किसी ने कहा तो दो है लेकिन एक है, किसी ने बोला कि दो है भी और नहीं भी, तो इस तरीके से चार अलग संप्रदाय आपके। तो जिसने कहा कि जीव और ब्रह्म एक है वो सिद्धांत कहलाता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब बता चुका हूं अ प्लस द्वैत, और वाद मतलब विचार, मतलब दो नहीं है एक है। अद्वैतवाद का सिद्धांत ऐसा किसने बोला, ऐसा शंकराचार्य ने बोला, आदि शंकराचार्य कहते हैं अद्वैतवाद। किसी ने बोला एक नहीं है दो है, मतलब द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, तो वह भी यहां पर देख लीजिए कि द्वैतवाद, द्वैतवाद का सिद्धांत देंगे माधवाचार्य। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है माधवाचार्य, इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब एक नहीं है दो है। फिर एक ने आगे बोला कि एक तो है लेकिन दो है, ऐसा जो सिद्धांत है विशिष्ट बात कर दी आपने, इसीलिए उस सिद्धांत को विशिष्टाद्वैतवाद बोला गया। विशिष्टाद्वैतवाद, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक नहीं दो है, ऐसा बोलने वाले कौन थे, तो ऐसा रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य कहना था कि एक है लेकिन दो, मतलब एक हो गए परमात्मा, दूसरे हो गई प्रकृति और तीसरे हो गए हम, हमारे में ही परमात्मा का अंश है, यह कहना किसका था, रामानुजाचार्य कहना था विशिष्टाद्वैतवाद। और उसके बाद अगली उक्ति है कि दो है भी और दो नहीं भी, तो यह बात जो है यह दो है भी और दो नहीं भी है, तो द्वैता द्वैतवाद की बात हो गई। द्वैता द्वैतवाद ये किसने दिया, तो ये निम्बकाचार्य ने दिया, कौन सा, तो द्वैता द्वैतवाद। इनका कहना था दो है भी और नहीं है, तो ये सारे प्रवर्तक हमने लिख दिए हैं आपसे, द्वैतवाद अद्वैतवाद विशिष्टा और द्वैता द्वैतवाद भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो रहा है, शंकराचार्य वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य मतलब अगर जोड़ दो इस अद्वैत में, अगर सामने में विशुद्ध जोड़ दूं, विशुद्ध जोड़ दूं, तो कौन आ जाएंगे, वल्लभाचार्य, मतलब विशुद्ध अद्वैतवाद के जो संस्थापक हुए वह कौन हुए, वह वल्लभाचार्य हुए। और अगर मैं द्वैतवाद के सामने विशुद्ध जोड़ दूं तो लग जाएगा आपका कबीर, द्वैतवाद के सामने विशुद्ध जोड़ दूं तो कबीर। ठीक है, तो यह हमने देखे दार्शनिक सिद्धांत शंकराचार्य के भी और रामानुजाचार्य के भी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यह आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रम है, दार्शनिक आपको दे दिए गए हैं और इसको आपको जमाना है, तो शंकराचार्य है, रामानुजन है कि चैतन्य है, तो हम तो जानते ही हैं कि वेदांती कौन थे, पहले शंकराचार्य और उसके बाद उन्हीं को फॉलो किसने किया, रामानुजन ने, तो शंकराचार्य के बाद कौन आएंगे, रामानुजन, और उसके बाद चैतन्य की बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में, सबसे पहले इनका जन्म हुआ था, उसके बाद 1017 एडी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था और ये तमिलनाडु में थे, और उसके बाद अगर बात करें चैतन्य की, तो ये तो 1486 15वीं शताब्दी की बात हो रही है, बहुत बाद की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है अगला प्रश्न, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, न्याय दर्शन से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। कर्म का सिद्धांत किनसे संबंधित है, तो मैं पहले ही आपको बताया था कि दो जिज्ञासाएं, दो मीमांसाएं, पहला जानने की कर्म को और दूसरा जानने की कि जगत का मूल कारण क्या है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, ये लोग ये मानते थे कि कोई भी कर्म जो है वो फल रहित नहीं है, कर्म आपने किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, फल रहित नहीं है, किसका मानना था, मीमांसा का। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड फैक्ट है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, याद रखना किससे संबंधित है, मीमांसा से। अगला प्रश्न, तो यह अगला प्रश्न, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था, डिस्कस कर चुके हैं, केरल में इनका जन्म हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चारों दिशाओं में इन्होंने चार मठ स्थापित किए थे, चार मठों की अगर बात करें तो पूरी द्वारिका, श्रृंगेरी, बद्री, चार मठों की स्थापना इन्होंने चारों दिशाओं में की थी, शुरू में आदि शंकराचार्य और बाद में जो विद्वान बैठे वो क्या कहलाए, शंकराचार्य कहलाए। तो याद रखना इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म केरल में हुआ था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, संप्रदाय दिया है, प्रवर्तक दिया है, कौन से सुमिलित नहीं है, फैक्ट वाले क्वेश्चन है, सिलेक्टेड फैक्ट वाले क्वेश्चन है, याद रखना। क्या बोला है, स्मृति संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, सनक संप्रदाय भास्कराचार्य, और श्री संप्रदाय कौन है, रामानुजाचार्य। तो कौन से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, सनक संप्रदाय का संबंध जो है वो निम्बकाचार्य से है। तो इस तरीके से यह हुआ सही क्वेश्चन, चलिए याद रखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैष्णववाद से संबंधित नहीं है, नहीं है आपको बताना है, तो कौन सा संबंधित नहीं है, बोल रहा है वर्करी संप्रदाय, ब्रह्म, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं, तीनों के तीनों जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि इसका उत्तर लगेगा आपका कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
सवर एवं निर्जरा किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? सवर और निर्जरा किस दर्शन से संबंधित है? तो सवर की बात करते हैं, सवर जो है वह जैन दर्शन का एक तत्व है, ठीक है ना। तो किसका तत्व हुआ? जैन दर्शन का यह एक तत्व हुआ। इसमें कहा गया है कि कर्मों के बहाव को रोकना, कहा गया है कि जो संसार है वह एक सागर है और जीवात्मा जो है वह यहाँ पर एक नाव के समान है और इस नाव में एक होल है, एक छेद है जिसमें कर्म का बहाव होता रहता है। तो कर्म रूपी पानी को रोकना ही क्या कहलाता है? आपका समर कहलाता है। और समर के बाद उसके बाद होता है आपका निर्जरा। यह दोनों ही किससे संबंधित है? तो जैन दर्शन के ही तत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह अगला प्रश्न, किस दार्शनिक विचारधारा के दृष्टिकोण से मुक्ति जो है वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही संभव है? ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है, यह जो उत्तर है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सांख्य विचारधारा, सांख्य विचारधारा यह सबसे प्राचीन है। उसके बाद, इसके बाद ये याद रखना है कि कपिल मुनि इसके रचयिता सांख्य विचारधारा के, सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड जो सृष्टि का संबंध है उसके लिए किसी दैवी कारक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं। पहले ही बता चुका हूं, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे ब्रह्मांड या सृष्टि के संबंध में। इन्होंने ही कहा है कि मुक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है और मनुष्य की जो दुर्दशा है वह ज्ञान के अभाव के कारण ही है। तो यह जो सिद्धांत है, कौन सी विचारधारा? सांख्य विचारधारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कपूर्ण, ऐसे आपको याद रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यह है अगला प्रश्न, भक्ति का दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति तो ठीक है लेकिन उसका दार्शनिक आधार किन्होंने प्रदान किया था? ऐसे पहले आचार्य, तो हम जानते हैं कि शंकराचार्य के बाद कौन है? रामानुजन। इन्होंने ही दार्शनिक आधार प्रदान किया था भक्ति का, समाज में लाने का श्रेय। आध्यात्म भक्ति ही काफी नहीं है, साथ में आपको आध्यात्म को अपने जीवन में भी उतारना होगा, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो रामानुजाचार्य ऐसे पहले थे। इन्होंने ही कहा था कि भाई अगर आप सिर्फ भक्ति ही करोगे और किसी भूखे को रोटी नहीं दोगे तो यह आपकी भक्ति नहीं है, आपको जीवन में भी इसको उतारना होगा। समाज में इन्होंने इस भावना को फैलाया था। पहले कौन थे? तो रामानुज ही पहले थे, तो याद रखिएगा ये पहले थे। चलो अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्शन जो है वो भागवत धर्म का मुख्य आधार है? भागवत धर्म का मुख्य आधार है, यह दर्शन जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। विशिष्टाद्वैतवाद मतलब है विशिष्ट प्लस अद्वैत, और किन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह दार्शनिक विचार जो है ये रामानुज के दार्शनिक विचार है। उन्होंने ही कहा था कि एक जगत है और दूसरा जीवात्मा है, हालांकि ये दोनों अलग हैं लेकिन ये ब्रह्मा से ही उद्भूत है, मतलब इनका जो कनेक्शन है वो ब्रह्मा से कुछ वैसा ही है जैसा कनेक्शन किरणों का सूर्य के साथ होता है। इस तरीके से ब्रह्म जो है वो एक होने के बाद भी अनेक है, यह कहते थे रामानुजाचार्य, विशिष्टा द्वैतवाद में कहते थे, तो भागवत धर्म का मुख्य आधार होता। अच्छा, इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद सिद्धांत का खंडन किया है, क्योंकि शंकराचार्य का कहना था कि ये जो जगत है यह मिथ्या है, यह माया है, इनका कहना था शंकराचार्य का, जबकि रामानुजाचार्य ने इसको साबित किया कि नहीं, जगत को भी ब्रह्मा ने ही बनाया है, इस तरीके से ये जो जगत है ये मिथ्या नहीं हो सकता। तो मायावाद के सिद्धांत का खंडन भी रामानुजाचार्य ने ही किया है और वह सिद्धांत शंकराचार्य का था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है पहचानना? योग सूत्र, पतंजलि। हाँ, तो पतंजलि के महाभाष्य से हमको योग सूत्र के बारे में पता चलता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है वात्सायन कामसूत्र, हाजी वात्सायन ने तो कामसूत्र उनका एक प्रमुख ग्रंथ था, यह उन्होंने लिखा था। फिर बोलता है न्याय सूत्र गौतम, महर्षि गौतम जो है न्याय सूत्र से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, याद कर लेना। फिर बोलता है गीता रहस्य गांधी जी, अरे गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जेल, गीता रहस्य नामक किताब का संबंध तो बाल गंगाधर तिलक से है, इसीलिए यह जो है गलत मैच हो जाता है। तो यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर निकल कर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए आपको ऋण भी क्यों ना लेना पड़े, शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता और पुनर्जन्म का निषेध करती है यह उक्ति। तो उक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, जो एक मीठा स्टेटमेंट है, सुंदर और आकर्षक स्टेटमेंट है।
जो कि सामान्य जन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये चार्वाक से ही संबंधित होगा, यह हम सभी को पता होगा। चार्वाक ही पुनर्जन्म पर बिलीव नहीं करते, कहते हैं कि एक ही जीवन मिला है, सुख से जीवन व्यतीत कर लो, चाहे उसके लिए आपको ऋण ही क्यों ना लेना पड़े। अगला जन्म यानी कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को ये निषेध मानते थे, चार्वाक से संबंधित है। और यहीं से यह भी इनसे सिद्धांत यह भी निकल सकता है, खाओ पियो मस्त रहो का सिद्धांत किसका है, तो वह भी चार्वाक का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य जो है वो भाग्य के सामने असमर्थ होता है, कर्म नहीं भाग्य प्रधान। तो देखो यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि भाग्य कौन कहता है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कहता है कि भाग्य का मनुष्य के जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता है ना, तो कर्म से नहीं भाग्य से, व्यक्ति अगर के भाग्य में लिखा है तो वो उसके पास आएगा, और भाग्य में नहीं है तो वह उसके पास से चला जाएगा। तो बौद्ध धर्म जो है यह संबंधित है। तो यह हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने अधिक प्रश्नों को लेने की यहाँ पर कोशिश की है, और आशा करता हूं कि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आपको काम आने वाले हैं और थोड़ा बहुत आपको याद भी हो गए होंगे। तो तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट एंड जय। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।